जिस सवाल पर आकर पेच फंस गया आशुतोष, अशोक गहलोत कह रहे थे कि आलाकमान कहेगा तो हम मान लेंगे, सचिन पायलट को वापस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी पार्टी की खूबी यही है। लेकिन क्या इतना आसान होगा? अब सचिन पायलट के लिए पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी में रह पाना, फटाफट आपका एक कमेंट, फिर बड़ी बातें अशोक गहलोत की बताते हैं। नहीं देखिए देखिए रोहित, जो जिस जिस भाषा का इस्तेमाल अभी अशोक गहलोत ने किया है वो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अब अशोक गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने आपके इंटरव्यू में पूरी चार्जशीट सचिन पायलट के खिलाफ इकट्ठा कर दी है कि मैं उनके 5 साल का जो पीसीसी के अध्यक्ष थे मैं उसकी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दरअसल उन्होंने चार्जशीट एस्टैब्लिश कर ली। वो ये कहते हैं कि भाई बिना किसी से पूछे ये लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, सिर्फ 7 दिन वो सचिवालय में आए हुए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब अगर इस पर भी, अगर इसका मतलब ये कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को दो टूक भाषा में कह दिया है कि या तो आप अशोक गहलोत को ले सकते हैं या फिर आप सचिन पायलट को ले रह सकते हैं। इसके बाद भी अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर अगर प्रेस करते हैं तो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान के अंदर राजनीति करने का एक ही मतलब होगा, या तो बिल्कुल कांग्रेस का साथ छोड़ दें और अपनी जमीन नए सिरे से बनाए, और अगर कांग्रेस में रहते हैं तो राजस्थान में उनके लिए कोई जमीन बचेगी नहीं, उनको फिर सेंटर में आना पड़ेगा। अर्चना जी, अशोक गहलोत की बातों से साफ है कि उन्होंने सचिन पायलट की फाइल कोई 2 दिन में तैयार नहीं की होगी, लंबे समय से वो फाइल तैयार कर रहे थे, केस बन रहा था कि किस दिन इनका काम निपटा देना है, उसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जिदाना जी, किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट ऐसे ही नहीं होती है, कोई ना कोई तथ्यात्मक सबूत तो होंगे ही। और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि किसी चैनल पे, आपकी प्रतिबद्धता है आज तक की, उस पर इस बात को कह रहे हैं तो उनके पास ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ प्रश्रय दे करके राजस्थान की सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया और उसमें जो हमारे विधायक हैं कुछ वो लोग भी फंसते नजर आए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी मैं नरसिम्हा जी को भी सुन रही थी, सिफोलॉजी का अच्छा काम करते थे लेकिन निष्ठाएं बीजेपी के प्रति हो गई, तो आजकल वो जिस तरह के बयान देते हैं उसमें एक ही लक्ष्य होता है कि राहुल गांधी जी को टारगेट करो तो हो सकता है नंबर बढ़ जाए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या हमें इस चीज के प्रमाण देने पड़ेंगे? गोवा में आपने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में आपने क्या किया, कर्नाटक में आपने हमारे विधायकों को रिजॉर्ट में रखा मध्य प्रदेश के, और आपने किस प्रकार से लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, या पार्लियामेंट तक को आपने स्थगित तब तक नहीं किया था जबकि स्थितियां महामारी की बहुत ज्यादा व्यापक। अर्चना जी, अब आपकी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, आपको यकीन है? बिल्कुल करेगी। और इस और सुनिए मेरी बात, जिस दिन हमने 3 हिंदी हार्टलैंड के स्टेट जीते थे ना, उसी दिन से भाजपा की सीने में आग लगी थी कि आपकी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, बहुमत पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, और किसी के भी मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। जीवीएल पूरा करने देंगे कि नहीं कार्यकाल इनको? आखिरी सवाल है मेरा, पार्टी में निष्ठा का समय थोड़ा कम है, जीवीएल इनको पूरा करने देंगे कि नहीं कार्यकाल? आपके आधार पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो व्यक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके लिए अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट, वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। ये कांग्रेस की जो अंतःकलह है, यही कारण है इसको सरकार गिरने का, और जनता भी इस सरकार की विदाई की एक तरह से इंतजार कर रही है, क्योंकि जनता भी जनता भी पूरी तरह इससे नाराज है। लोकसभा में हम 25 सीट जीते हैं, जिस स्टेट को आपने जीतने के दावा कर रहे हैं उसको आपने जीता नहीं है, एक तरह से हंग असेंबली बनी थी, आपने बाकी विधायकों को अपने साथ करके एक आर्टिफिशियल अपने मेजोरिटी खड़ा किया है। आज सरकार कांग्रेस के कारण, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। चलिए झगड़ा नहीं करना है, समय कम है थोड़ा सा, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है।